नहीं रहने दे रहे हैं वहाँ पे कि हटाओ जमीन यहाँ से, घर खाली करो नहीं तो आग लगा देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग, न्याय दिलाइए हम लोग को। हम लोग को जरूरत थी यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए कि यहाँ पानी भी नहीं मिला हम लोग को पीने के लिए, बताइए हम लोग कहाँ जाएं, यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे हम? हो जाए कब तक होगा? आग लग जाएगी तब होगा, मर्डर हो जाएगी तब होगा, हो ही गया, हो गया, प्रशासन हम लोग का केस नहीं लिया, बताइए किसके पास हम लोग जाएं? हम लोग यहाँ से नहीं टसमस होंगे, यही रहेंगे। दोस्तों, पूरे बिहार भर में दलितों के साथ जिस तरीके से एट्रोसिटी की घटनाएं लगातार सामने निकल कर आ रही है, एनसीआरबी का भी रिपोर्ट ये कहता है कि पूरे देश भर में बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर दलितों के साथ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज होता है, और एट्रोसिटी का हद तब पार हो गया जब एक नाबालिग लड़की के साथ जो है 100 बार जो है रेप हुआ है, 100 बार उसका जो है दुष्कर्म किया गया है। और इन तमाम मसले को लेकर सहित अन्य जो डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अलग अलग जगहों पर तमाम दलितों के साथ जो एट्रोसिटी हुआ है उसको लेकर जो है बहुजन आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं, देखिए देश की राजधानी दिल्ली के जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है यहाँ पर जो है पहुँचे हुए, थोड़ा सा आप दिखाइए, देखिए उधर दिखाइए, देखिए ये जो है आप देख सकते हैं तमाम जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का जो है यही जो है आप देख सकते हैं भवन है जहाँ पर जो है देश भर के जो है यहाँ पर जाने माने जो रणनीतिकार होते हैं एससी एसटी आयोग के तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे होते हैं, और उनका काम होता है कि पूरे देश भर में किसी भी स्टेट में अगर दलितों के साथ एट्रोसिटी हो तो उनको न्याय दें, लेकिन जो है न्याय नहीं दिला पाने की वजह से आज देखिए बिहार से चलकर जो है लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके महिलाएं लोग भी आई हैं, पुरुष लोग भी आए हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या हुआ है आप लोग के साथ कि आप लोग बिहार से आई हैं? देखिए मैंने केस मर्डर हुआ है ना, तब गए थाना में तो केस आपस नहीं लिया, जाओ जल्द हम नहीं लेंगे केस, जब मर्डर हो गया। किसका मर्डर हुआ है? मेरा गाँव का, मेरा देवर लग रहा है, मर्डर हो गया तब पुलिस आया, थाना आया, सब कोई आया, अब फिर उसके धमकी क्या दे रहा है कि नहीं और कुछ अभी क्या हुआ अभी और करेंगे हम, हाँ और नहीं केस वापस करेंगे। मतलब कि आपको देवर को मारा भी गया, हाँ। गोली, और आज उस दुनिया में नहीं है, अभी भी धमकी आ रही है, अभी धमकी रही, अभी और होगा, अभी फिर कह रहे हैं क्या की धमकी कौन दे रहा है? मेरे जादू जी है ना, सब मर्डर जन गोली चलाया है ना, वही धमकी जाती है, हाँ तो कह रहा है कि अभी यार वो करेंगे, और कह रहा है कि नहीं घर करेंगे तो घर में आग लगा देंगे, सब बाले बच्चे जला देंगे, तो बोलिए हम कहाँ रहेंगे, हम बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चा के हम छोड़ के आए हैं, यही लगे नूँ कि हम दीजिए आए, तो उसके लिए तो थाना बनाया ना, थाना में थाना बनाया है कि थाना आदमी कोई मदद नहीं करता है, मर्डर हो जाता है तब थाना आता है, जब केस के ले जाते हैं तो कहते जाओ जैसे हम केस नहीं लेंगे, बोलिए हम कहाँ जाएंगे हम? थाना वाला थानेदार कहता है, हाँ थानेदार कहता है कि हम नहीं केस लेंगे, जब मर्डर हो जाएगा तब हम लेंगे, तो जब मर्डर हो गया तब थाना है तो क्या करेंगे, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ता है बैठ के। तो आप लोग दिल्ली में यहाँ पर आई हुई हैं, दिल्ली में क्या उम्मीद है, किस उम्मीद से आई हैं आप लोग? ये उम्मीद से क्या है कि हमके ये धीरे धीरे होगा, हमके मर्डर सब में मर जाएंगे तो क्या करेगा वो सब रख के, बोलिए दिल्ली से उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? हाँ तो दीजिए हमने के कह रहे हैं कि नहीं करेंगे ना तो हम घर में आग लगा देंगे, बाले बच्चे के सब गोली चला देंगे, गोली से मार करेंगे तो केस वापस नहीं, हाँ केस वापस नहीं लेंगे तो हम घर में आग लगा देंगे, बोलिए हम कहाँ रहेंगे बाले बच्चे रह के, मतलब केस रजिस्टर्ड हो गया है, हाँ तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितने लोग आरोपी हैं इसमें? हम के आरोपी मतलब जो लोग हैं, कितने लोग आरोप लगाए हैं? बहुत आदमी है, आइए ना सर इधर, ये देखिए बहुत सारे लोग जो है जो पीड़ित लोग हैं, आइए बैठिए यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। कहाँ से आए? दानापुर पटना ग्राम मकसूदपुर। तो क्या मामला है, आप लोग पूरा जो है बिहार छोड़कर हजार किलोमीटर दूरी तय करके आप लोग यहाँ पर एसएसटी आयोग में आए हुए हैं? जी सर, मैं मामला ये है कि भीम जयंती इसी साल 14 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा था, उसी में यादव परिवार द्वारा बार बार चेंजर गिराया गया, हम लोगों ने उसका गिराया गया चेंजर, लाइट गिराया गया। अच्छा, ट्रांसफार्मर से? हाँ, ट्रांसफार्मर से लाइट गिरा कर बार बार काटा जा रहा था, तो हम लोग बोले कि भाई क्या दिक्कत है बोलो, तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग चले आए, फिर इसी तरह गिरा, बोले कि भाई क्या दिक्कत है बताओ, तो बोला कि ट्रांसफार्मर तो बाप का नहीं है कि जो मन मेरा आएगा वो हम करेंगे, तो अपना जनरेटर से काम चलाओ, तो हम लोग फिर भी उसको टाल दिए और जनरेटर से अपना काम चलाए। रात का जो है कार्यक्रम समापन अच्छा से हो गया, बाबा साहब के हम लोग प्रतिमा के लिए शिलान्यास भी किए, सब चीज़ हो गया, और फिर जब 15 तारीख को ये घटना हुई तो उन लोगों को यादव परिवार के द्वारा उनके
जो अशिक्षित लोग हैं उनको गोली मारने के लिए धमकी दिया गया है। तो हम लोग उनके घर जाकर बोले कि भाई देखिए हम लोग एक ही समाज में रहने वाले हैं, किस तरह का हम लोग के साथ क्यों किया जा रहा है, क्या हम लोगों को मतलब कि जीने का अधिकार समाज में नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, उन लोगों ने बोला कि ठीक है कि सब हम लोग समझा देंगे। फिर भी ये चीज़ उन जो शिक्षित लोग हैं नहीं माना, मतलब कि ये क्रम लगातार चलते रहा। और ये जो घटना जो है हम लोग थाना में भी आवेदन दिए, तब बारा बाबू जो मनीष कुमार आनंद है शाहपुर थाना अध्यक्ष दानापुर का, वो बोला कि ठीक है जाओ कि हम कल आएंगे। अच्छा, कल आएंगे। जब हम लोग आवेदन देकर घर आए तो फिर उधर से यादव परिवार द्वारा हम लोगों को घर पर आक्रमण कर लिया गया और ईट और रोरा से रोराबाजी किया गया। उसके बाद हम लोग भी इकट्ठा हुए, हम लोगों में पदर मचा और उन लोगों द्वारा मतलब कि फायरिंग किया गया, जिसमें से एक बच्चा को यहाँ दाढ़ी पर लगा और वहीं दम तोड़ दिया और एक बच्चा का आँख फूट गया और मतलब बहुत सारे लोगों ने घायल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया। दर्ज कराने के बाद उसके बाद फिर भी धमकियां मिल रही है कि केस वापस ले लो, नहीं तो एक मर्डर हुआ है और मर्डर होगा। इस तरह से मतलब कि हम लोग आवेदन दे रहे हैं थाना में, लेकिन थाना प्रभारी आवेदन लेके रख ले रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। केस रजिस्टर्ड हुआ है ना? रजिस्टर्ड हो गया है। तो जो गिरफ्तार कितने लोग हैं? गिरफ्तार 9 लोग हुए हैं। तो फिर अब क्या चाहिए आप लोग? अब सर 18 लोग है, अभी भी धमकियां मिल रही है। जो 18 लोग बाहर हैं वो धमकी दे रहे हैं? हाँ, मतलब कि 18 लोगों को नाम पड़ा है और 5-4 लोग अज्ञात हैं, जिसमें से 9 लोगों को गिरफ्तारी हुआ है और लोग जो फरार है वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि केस वापस लो नहीं तो गोली मार देंगे। हम लोग आवेदन भी देते हैं जो धमकी देता है सोशल मीडिया के माध्यम से या फेस टू फेस आकर, तो थाना पर भारी बोलते हैं कि जाओ, इसी तरह का घटना होते रहता है कि तुम सब शांत रहो, सब ठीक होगा। उनका कहना है कि इस तरह से दलितों का जान जाता रहता है, जाता बड़ी बात नहीं है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन घटना हुआ उस दिन अगर थाना प्रभारी बोले कि ठीक है कि जाओ, तुमको जो करना था तो हो ही गया, कि घटना मेरे चलते हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली पर किस लिए आप लोग? दिल्ली पर हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग को न्याय मिले। न्याय ये मिले कि हम लोग आज भी मतलब कि हम लोग असुरक्षित हैं। वहाँ जो कैंप लगाया गया है, 2 पुलिस रखा गया है जो मतलब सही से रात में ड्यूटी नहीं करता है, सो जाता है। रात को हम लोग को घर पर भी अभी चढ़ चढ़ कर धमकी मिल रहा है। हम लोग का यहाँ तक कि बहू बेटी हम लोग का पढ़ाई लिखाई करने नहीं जा रही है, मार्केट नहीं जा रही है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आया है। हम लोग का क्या शौक था कि भूखे प्यासे ट्रेन में मतलब जनरल बोगी से हम लोग यहाँ आए भूखे हैं हम लोग सतुआ लेकर आए हैं। तो यहाँ से न्याय की उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि उम्मीदें के लिए ना इसको महादलित आयोग बनाया गया है। महादलित आयोग जो है मतलब कि सबसे लास्ट पर आवा है, इनकी इतना पावर होती है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्याय की गुहार लगाते हुए ये लोग, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग दिल्ली में ये लोग जो है आए हुए हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि पूरे भारत में जहां भी दलितों के साथ एट्रोसिटी होता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ एट्रोसिटी होता है, तो ये सबसे जो है शीर्ष नेतृत्व करने वाला जो है राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। और अंत में जो है ये लोग हर थाक हर के जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन लोगों के पहुँचने से, क्या इन लोगों के गुहार लगाने से इनको न्याय मिल पाता है, तो देखने वाली बात ये होगी। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि जिस तरीके से क्राइम जो ग्राफ है लगातार दलितों के साथ बढ़ रहा है, उसको लेकर थाना अध्यक्ष भी जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आप देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में इसका घेराव करने के लिए पहुँचे हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। इनके साथ तमाम आप बीती हुई है ये भी को आप इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब फास्टर लोग धमकी दे रहे हैं कि हम आपको यादव लोग नहीं रहने दे रहे हैं वहाँ पे, क्या हटाओ जमीन यहाँ से, घर खाली करो नहीं तो आग लगा देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। आप लोग न्याय दिलाइए हम लोग को, हम लोग को जरूरत थी यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए कि यहाँ पानी भी नहीं मिला हम लोग को पीने के लिए, बताइए हम लोग कहाँ जाएं, यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे हम। थाना में न्याय आपको नहीं मिला? थाना में नहीं मिला है, थाना बहुत भ्रष्ट भ्रष्ट है और मतलब की रिश्वत खा कर हम लोग का केस को दबा दिया जा रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन आ ही नहीं रहा है, बोला है कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई किया गया है, जाइए अपना घर जाइए, हो जाए कब तक होगा? आग लग जाएगी तब होगा, मर्डर हो जाएगी तब होगा, हो ही गया, हो गया। प्रशासन हम लोग का केस नहीं लिया, बताइए किसके पास हम लोग जाए? हम लोग यहाँ से नहीं टसमस होंगे, यही रहेंगे, सबको जान की प्यारी है। आप लोग को तो 4-4 बॉडी गार्ड लगी, हम लोग को कौन सा बॉडी गार्ड लगी है? धमकी पे धमकी मिला जा रहा है, धमकी का देंगे वो लोग मार दिए जान से। नहीं आ सकता है, हम लोग कहाँ से आए हुए हैं, रेप हो रहा है, वो थोड़ा सा नहीं आया है।
हम लोग बिहार से आए हुए हैं, हम लोग के साथ गलत हो रहा है।